आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। एक और जहां बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है, वहीं पिहोवा में पोल खुलती नजर आ रही है। पिहोवा से पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता बलबीर सैनी और नगर पालिका प्रधान अशोक सिंगला की बातचीत अब वायरल हुई है, जिसमें नगर पालिका प्रधान बनाने के लिए SS बोर्ड के चेयरमैन भारत भूषण भारती के लिए 45 लाख रुपए रिश्वत व नगर पालिका के 3 पार्षदों के लिए 30 लाख रुपए, कुल 45 लाख में नगर पालिका प्रधान की कुर्सी पर बैठे हैं अशोक सिंगला। SS बोर्ड के चेयरमैन भारत भूषण भारती रिश्वत खाने के आरोप में लिप्त ऑडियो से खुलासा सामने आया है। इस वायरल ऑडियो से प्रदेश की बीजेपी में हड़कंप मच गया है और SS बोर्ड के चेयरमैन भारत भूषण भारती मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी भी हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर एक कुर्सी 75 लाख की बिक सकती है तो एक SS बोर्ड के चेयरमैन नौकरी देने में कितना लेते होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं पिहोवा से इनेलो विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष जसविंदर संधू ने बयान देते हुए कहा कि ऑडियो वायरल पर SS बोर्ड चेयरमैन भारत भूषण भारती व नपा के प्रधान अशोक सिंगला को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से पुलिस से जांच कराने की अब मांग की जाएगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लूट और झूठ की राजनीति लगातार जारी है। मुझे तो इस बात का बहुत पहले से अंदेशा था, जब म्यूनिसिपल कमेटी का चुनाव पेवा के आए तो मेरी भारत भूषण भारती जी से इस मामले में कई मरतबा बातचीत हुई। हम दोनों ही एक मुद्दे पर सहमत हुए कि फलां आदमी को, नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, इसको म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान बनाया जाए। जिस दिन ये प्रधान चुना गया उस रात तक वो फैसला जो हमारा आपस में साझा था वो बिल्कुल तय था, पर सुबह जब उस फैसले को बदल के श्री अशोक सिंगला जी को म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान जिस ढंग से बनाया गया तो मैंने अपने तौर पे पड़ताल की तो मुझे कई तरह से ऐसी बातें मिलीं कि इसमें बहुत मोटे स्तर पे पैसा खर्च किया गया है। आज वो मेरी द्वारा जो सुनी हुई बातें थी वो सच साबित हुई। आज तो हरियाणा सरकार से ये मांग है और हम इस मांग को हरियाणा विधानसभा के अंदर कल भी उठाने जा रहे हैं कि इसमें बकायदा मुकदमा दर्ज होकर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने ऐसे म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान से पैसे खाए हैं, लेने वाले और देने वालों के खिलाफ, रिश्वत देना भी जुर्म है, रिश्वत लेना भी जुर्म है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पिहोवा से पुनीत सांगर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।